गुड मॉर्निंग गाइस, सो के उठ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सब सो रहे, मम्मी, सोनम, बच्चे, और उस वाले रूम में भी सबको उठा लेना पड़ेगा क्योंकि हम नहा नहा के रेडी होना है। इन लोगों को भी मैं उठाने आई हूँ, सब सो रहे हैं। उठो नहाओ, चलो जो उठो नहाओ, चलो सब बच्चे, चलो सोनम नहाए तैयार है। ये देखो सबसे पहले नहा धो के रेडी। अभी सब बच्चों को दिया था मैं, प्लीज मैं बच्चों को नहीं दाते, तुम फिर रेडी करना। हाँ पक्का दे, मम्मी नहा के निकल जाए। दिखा सुंदर, पहले बोले तो सारा मेकअप का सामान लेने जा रही है। ये भी तो ले जाओ पापा का ड्रायर के। हाँ जाओ ले जाओ, रेडी हो गए। दीदी को मम्मा रेडी कर रही है, उधर वो लोग तैयार हो रहे, सब हम लोग इधर हो रहे। हाँ, ये गर्ल्स का रूम है, वो बॉयज का रूम है। नाला हो चुकी है रेडी, लाडो हो चुकी है रेडी, सोनम इधर देखो, सोनम हो रही रेडी। आज फाइनली सोनम ने को मैंने जो बर्थडे पे गिफ्ट किया था सूट, आज पहना है पहली बार उसने, क्योंकि वो लाल कलर नहीं पहनती, बाकी आज मेरे लिए पहना है। ये मम्मी हो चुकी रेडी, हेलो मम्मी, हाय। ये देखिए चलो लाडो उधर दिखा के आए, ये लोग तैयार हुए कि नहीं, तो सामान भी पैक करना है। ये देखिए ये भी रेडी है, और ये सो के ही उठे अभी, सबसे लेट यही करने वाले हैं। और ये रेडी है, मुँह जो छुपाया है। चलो कौन से मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा आपको लोकेशन देख के समझ आई थी होगा कि हम कहाँ पे आए। हम लोग रेडी होके आ रहे हैं, जब तक हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए। हाँ मैंने सारा सामान रख लिया, सोनम को बोल दें बाकी ड्रायर वायर वो अभी रेडी होके वो रख लाएंगे। चलो बस हम लोग रेडी है, और रेडी होने के बाद, हाँ भाई विहू हटो बेटा, पापा के पास गर्मी हो रही है। रेडी होने के बाद हम कहाँ जाने वाले, अगर आपको लोकेशन देख के लगता है हम किस एरिया में आए हैं तो बता सकते हो। बहुत ज्यादा गर्मी है गाइज यहाँ पे, देखो तो मिलते थोड़ी सी देर में। हम दोनों आ चुके हैं नीचे रेडी होके, दादू चलना फोटो खींचते, देखो गाइस सोनम मुस्ती आ गई है, ये अलग व्लॉगिंग कर रही, देख रहे हो आप। चलो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, ऊपर से दबा के मार, आगे से दबा उसको। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आए सांवरिया सेठ के मंदिर दर्शन करने, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं अब दर्शन, तो अंदर से होंगी जितना पॉसिबल होगा आप लोगों को व्लॉग दिखाती जाऊंगी। सांवरिया सेठ की जय। हमारा सडन प्लान बना था एकदम से कि हम सांवरिया सेठ आएंगे, मतलब रात को ही प्लान बना था एकदम से, बोले चलते चलते, तो बस आ गए थे हम लोग दर्शन करने, बस दर्शन करके हम लोग फिर निकल जाएंगे वापस इंदौर के लिए। फाइनली हम लोग सांवरिया सेठ आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ क्यों निकाली यार, हल भर दिलवाऊँ क्या अभी। चलो भैया नानी का हाथ पकड़ लो बेटा, वेरी गुड, चलो देखो ये आके खरीदा खरीदी करना, सुनो अरे पहले दर्शन कर लो, बाद में आके तुम ले। इतनी धूप हो रही है कि हम क्या बताएं गाइस, यहीं से मुड़ जाए आनंद। ये मेन दर सोनम जा, ये ले पकड़ ले, चालू है पिछली बार में Thank you.
सावरिया से आ जाना, आते टाइम भी चलेंगे, आएंगे तो इधर से दिखा लेना। हाँ शायद बोला इधर से ही आएंगे वापस। बोलो सावरिया सेठ की जय। आप लोग लाइन देख सकते हो, लाइन ज़्यादा वो वहाँ तक ही आप लोग लोग देखते ही देखते वहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे सेठ की हमारी फर्स्ट ट्रिप है, हम लोग साथ में पहली बार आए हैं जोड़े से, हम चारों जने दर्शन करने के लिए। से जेंट्स की और लेडीज की लाइन अलग कर दी है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। पॉसिबल होगा जितना मैं आप लोगों के लिए वर्कशूट पर कर पाऊँ, क्योंकि अंदर कैमरा मतलब शूट करना अलाउड नहीं। यहाँ पे हमने अंदर एंट्री ली है मंदिर के, और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं कोशिश करूँगी बना पाऊँ। और ये देखिए आप लोगों के लिए सावरिया सेठ की मैंने थोड़ी सी क्लिप्स शूट करी है, ताकि मैं आप लोगों को भी दर्शन करवा पाऊँ। बाहर आ गए हैं और जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा है, तो सुना एक जगह साइड में खड़े होने का बोला था। लोग मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, अब उन लोगों का वेट कर रहे हैं। हवा चल दर्शन अच्छे से। मम्मी आपके हो गए, हमारे भी हो गए। मोहित सेल्फी वीडियो खत्म नहीं हो रही सबकी यहाँ पे। बोलो सावरिया सेठ की जय। सब यहाँ बैठे हुए हैं मंदिर में, सबका वेट कर रहे हैं। प्रसाद ले लिया आपने? इन्होंने प्रसाद, चलो 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 चलो। बोलो सावरिया सेठ की जय। लड़की ए, नहीं 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 वो लास्ट वाला सबसे नहीं चला पढ़ के। चलो दोनों अच्छे कर लो। चप्पल गायब कर, छुपाई ना चप्पल, पूछ ले तो सोना बोलना, चप्पल दे दो हमारी ज्यादा इतराओ मत, छुपा के चले गए। रिया ना आपकी भी मिल गई, मम्मी आपकी भी मिल गई, लंगे पैर आएंगे बोल दो, सही बता दो। इतना पागल नहीं कि दो चप्पलों के बीच में से एक चप्पल निकालेगा, सबकी चप्पल मिलके अपन दोनों की मतलब गायब हुई, तो मतलब समझ ये साजिश है। और मुझे सब पता है गंगाड़े जी की है। अब देख मैं उनके जूते चप्पल नहीं छुपाए ना मैंने, चप्पलें चोरी हो गई है हमारी सबकी, सबकी चप्पल है बस सोनम की और मेरी चप्पल चोरी हुई है। और ये साजिश हमको पता है किसकी, बस हम वहाँ पहुँच जाए जरा फिर बताएंगे। ये देखिए इनका लड्डू वितरण चल रहा है। अभी एक जब बताऊंगी वहाँ जाके जूते मारूंगी इन दोनों को। गाइस बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम खैर क्या, धूप तो बहुत हो रही है। देखो बोलो सावरिया सेठ की जय। लाओ प्रसाद ले दो हमको भी, भूख लग रही गाइस अब बहुत जोरों की। इन्होंने मार लिया कि इनकी चप्पल ठीक है तो सोनम, अच्छा मौसम हो रहा है। देखो चप्पल देख, देख सोनम चप्पल देख वहाँ पे। अब देख इनको चप्पल दिखा रहे हैं ना, मेरे को तो पता ही था दो छोटे आए ना हमारे साथ, उनने चुराई है।
मेरे को तो एक बात बता, हमने एक के अंदर एक घुसा के रखी पूरे जोड़े के साथ, पहले आनंद जी की, फिर सोनम जी की, फिर पहल जी की, फिर इनकी मेरी, मतलब बच्चों के बीच में चप्पल कैसे गायब हो सकती है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इतनी होशियारी, मेरे को सब पता था। सोनम अभी रुक जा, दो चप्पल। सोनम मैंने तो तेरे को बोला ही था, चलो मैंने तो पहन दी मेरी चप्पल मैंने तो मेरी चप्पल पहन ली सोनम ले निकाल, हाँ ले इधर की भी पकड़ो। देख अब मैं अगर जाके नहीं धोया मैंने उनको तो देख रहा, सोनम दोनों मिलके धोएंगे। लाडो इधर आ, अब शानू मुझसे मेरे पापा की दहलाई का दाल बाटी खाने आ गया, भूख जोर से भूख लगी पर है मेरे पापा जी। बस इधर आ, दो तीन लोग ये रे रे आइए जाइए। मैंने थोड़ा ये मैं बोला ना करा था आपका पैक करवा लिया है दाल बाटी। सुन मेरी बात, प्रसाद इसमें से निकालो इसको, खाना खाना। जितनी होशियार बने ना सब समझ में आ गया। मम्मी की निकाली जो चप्पल पानी के नीचे कितनी मांगा तुम्हारी करी। चलो वाली, हाँ ठीक है, चलो चलो दाल बाटी। हाँ हाँ थोड़ी तो है, थोड़ी सी बोल नहीं है, मतलब इसका देना, ये मैच कर दो क्योंकि ये फिक्स है परसी की दाल बाटी। रियाना दाल बाटी खाओगे ना, ये बैठे यहाँ पे चप्पल चोर। सोनम तेरे पास चप्पल चोर बैठे हैं। मम्मी की लेके आया, मम्मी अच्छा है तुम्हारी नहीं लेके गया। बाटी चुरू ओ चप्पल चोर, अब तो तुमको देखा, तुमने आज चुरा के बहुत बड़ी गलती कर दी, अगली बार से नहीं करोगे। देखिए इस हाथ से चूर के भी देते गरम गरम, दाल बेटा रोटी नहीं मिलती यहाँ पे, दाल रोटी नहीं यही खाना पड़ता है। कहाँ है भैया, एक रोटी कर देना बच्ची को, ये नहीं खाएगी। डबल चोर तो आपको भी आएंगे, दो दो घी डलता है यहाँ पे। बाप रे मम्मी इतना घी की कर दिया। फसा लिया हमने, हम नींद लग रही वापस। चलो लाडो पेट भरा। हाँ बोला, बाटी चुरू नहीं, बाटी चुरू नहीं। खाना खा के क्यों एक नंबर लग रहा है, अब तो नींद आ रही है। बाटी चुरू नहीं, खाली बोल फिर सब यहाँ पे नहीं। जम्मू थोड़ी गुजराती मुझे भी आ रही है, आगे से चल रही बच्चों की भी। चलो 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 जल्दी, चलो चलो उठो 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 मम्मी प्रसाद, चलो 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 साल ईमान है बाज मौसम, क्या मौसम हो गया एक नंबर, मस्त वाला मौसम हो गया गाइस, मस्त वाला। यस यस मॉम, नहीं सब खरीदते आ रहे हैं। वाओ सोनम क्या मौसम हो रहा है, एक नंबर। वैसे एक बजे पहुंचेंगे अपन, हाँ मत करो बस बस, ए चलो ए नहीं, अब घर जाने की तैयारी है। नहीं पूरा गाओ, चलो सब जने यही बोल दो, तो एक बार बोलो सावरिया सेठ की जय।
चलो अच्छे से दर्शन हो गए, भगवान करे हर महीने ऐसे आते रहे। क्यों सोनम, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं सबके और अब हम लोग निकल चुके हैं वापस। कहाँ जा रहे हैं आप? श्रीनाथ जी नहीं जा रहे, मम्मी घर चल रहे हैं। अब घर चलेंगे और तो बस गए, अब घर जाने की तैयारी है। एक बजे बोलो सावरिया से ठीक की जय। हाँ थैंक यू बोला भैया, ओके डन। तो गाइज हम लोग इंदौर के लिए निकल चुके हैं, अब बीच बीच के सफर के मजे मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी। ये क्या कर रही हो शानू? कपड़े चेंज करूंगी, इसमें नहीं बैठ पा रही मैं। कंफर्टेबल? यस, तुमने तो बदल लिया छतरी ने। चाय कॉफी पीने रुके तो सोचा क्या ये भी चेंज कर लें। चल रबड़ी खा रहे हैं। हमको तो व्लॉगिंग में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बच्चे इतना बोल लेते आजकल। तो गाइज हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे डीजल भराने को रुके हुए थे और ये लोग इतनी मस्ती कर रहे थे यहाँ, सब जने बोल रहे, लोग खड़े होके सब जने डांस करो, गाने प्ले कर दिए तो एक एक करके सब डांस करेंगे। हम लोग यहाँ पे खाना पैक हो रहा है तो रुके हुए हैं क्योंकि सब घर जाके खाना पसंद कर रहे हैं। आराम से फ्रेश फ्रेश होंगे, हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद सब खाना खाएंगे। हम लोग उज्जैन तक आ गए, जस्ट 30 मिनट्स में पहुँच जाएंगे घर अपने अपने, तो बस वही चल के सब लोग खाना खाएंगे। ये देखो संग सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं बचा। ये लंदन को देखो मेरी, और इधर देखो इन दोनों को। भैया बोल सकते हो, कल कितने बजे निकले थे? बस पैक करा के लिए आए हैं। फाइनली गाइस घर आ चुके हैं, सब नींद में, खाना वाना खाएंगे अब। दो दिन से ये नॉन स्टॉप नहीं सोए हैं, ये देखिए हालत इनकी। एंड व्लॉग हो गया, कहीं नहीं हुआ, अभी खाना खाएंगे हम। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, सब जने खाना खाने बैठ चुके, बहुत ज़्यादा थक गए सबको, बहुत तेज भूख भी लगी थी। तो ये व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। देखो रात के 3 बज गई, अब हम लोग सोएंगे।